तो कैसी लगी आपको ये पूड़िया, मुझे बताइएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये चुकंदर से बनाने जा रही हूँ एक बिल्कुल ही नई चीज। आपको मालूम है चुकंदर में बहुत सारा आयरन होता है, और आज मैं बहुत ही हेल्दी डाइट बनाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसे बच्चे बड़े और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक मैंने मीडियम आकार का चुकंदर ले लिया है, इसे बीटरूट भी कहते हैं। इसको अच्छे से धोकर मैंने काट लिया है, साथ मैंने लिया एक छोटा अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और थोड़े से लौंग के टुकड़े। अब इन सभी को हम अपने मिक्सर में डाल लेते हैं, मिक्सर के जार में डाल लेते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से पीस कर पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सब कुछ जार में डाल लिया है, अब मैं इसका पेस्ट तैयार करूंगी। ये देखिए चुकंदर का पेस्ट पूरा तैयार हो गया है। तो अब इस पेस्ट को हम डालेंगे इस आटे में। मैंने एक कटोरी आटा लिया है, इसको इसमें डाल दिया थाली में, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी मैंने। अब थोड़ा सा नमक डालते हैं, तो नमक मैंने छोटा थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। आप अपने फैमिली के क्वांटिटी के हिसाब से उसको बना सकते हैं, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हों उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चुकंदर का पेस्ट। पूरा आटा जो है आपको इसी से तैयार करना है। बहुत ही स्वादिष्ट पूड़ियाँ बनती हैं और बहुत ही हेल्दी होती हैं। आप इनसे आलू के पराठे भी बना सकते हो, इसमें चुकंदर के आटे में से आप आलू के पराठे ही बना सकते हो, चिल्लाई बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो इसका हमें आटा तैयार कर लेना है। देखने में बहुत सुंदर लगती है, इसकी पूड़ियाँ जब बन के तैयार होती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं देखने में। ये देखिए हमारा आटा कुछ इस तरीके से तैयार होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से गूंथ लिया है, ठीक है, पूड़ी बनाने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं पूड़ी। तो मैंने गैस ऑन कर दी है और मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। ये देखिए मैंने पूड़ी बेल ली है, ठीक है, और इसी तरीके से आप छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेल लीजिए। मेरा तेल हो चुका है, इसको मैं निकाल दे रही हूँ। तो थोड़ी सी कढ़ाई भी और गर्म होनी है, तब तक मैं दो चार पूड़ियाँ और बना लेती हूँ। मैंने इसे पूड़ी डाल दी है, आप इसको चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से तेल पर डाल के इसको अच्छे से फुला लीजिए। आप इसको अच्छे से फुला लीजिए, शायद मेरा तेल हुआ नहीं है। जब तक ये पूड़ी बन रही है तब तक मैं दूसरी पूड़ी बेल देती हूँ। तो देखिए पूड़ी फूल गई है और देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। ये पूड़ी चाय के साथ और किसी भी सब्जी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर जो लोग चुकंदर को पसंद नहीं करते हैं तो चुकंदर को इस तरीके से भी वो खा सकते हैं। मैंने पूड़ियाँ बनाई क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी देना है। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, और बना करके इसमें आप मतलब चुकंदर का आलू का पराठा ही बना सकते हैं भर के इसके अंदर, और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए कुछ ही देर में मेरी इतनी ढेर सारी पूड़ी बन गई है, आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्ट अच्छी लग रही है देखने में, बहुत टेस्टी है। और इसको आप चाय के साथ आराम से खाइए, इसको आप पालक पनीर की सब्जी के साथ खा सकते हैं, मटर पनीर के साथ खा सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी पूड़ियाँ कैसी लगी, और अगर आपको मेरी पूड़ियाँ अच्छी लगी हैं, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे आप लोगों की हेल्प मिल सके और मेरा चैनल ग्रो हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।